नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में आप सुनेंगे गणेश जी की ऐसी कहानी जब उन्होंने बच्चा बनकर अपने भक्तों की परीक्षा ली। तो सुनिए, कहानी इस प्रकार है। एक बार गणेश जी अपने धाम विश्राम कर रहे थे, तभी उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न पृथ्वी लोक पर जाकर अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। ये सोचकर वह पृथ्वी की तरफ चल पड़े और एक बच्चे का रूप बना लिया। गणेश जी ने अपने एक हाथ में एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और एक नगर में गए और लोगों से कहने लगे कि कोई मुझे खीर बनाकर दे। लेकिन लोग उस बच्चे की बात पर हंसने लगे। ऐसे ही गणेश जी पूरे गांव में घूमे और सबसे खीर बनाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। सबने यही कहा कि एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से हम कैसे खीर बनाएं। तभी वहाँ नगर में एक बुढ़िया अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी, उसे भी गणेश जी ने वही कहा। तब उस बुढ़िया ने गणेश जी की तरफ देखा और कहा कि ठीक है, मुझे तो अपने दूध और चावल, मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी। बुढ़िया ने मन में सोचा कि बच्चे की जिद है, पूरी कर देती हूँ, कुछ चावल और दूध मैं अपने पास से डाल देती हूँ। ये कहकर वह बुढ़िया गणेश जी द्वारा दिया हुआ दूध और चावल लेकर अपनी रसोई में चली गई। उसने एक छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया और गणेश जी द्वारा दिया गया एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल उसमें डाल दिए। परंतु ये क्या, उसका बर्तन तो ऊपर तक भर गया। तब उसने कोई बड़ा बर्तन लिया तो वह भी ऐसे ही भर गया और खीर उबलने के लिए बर्तन में जगह ही ना बची। बुढ़िया ने घर का सबसे बड़ा बर्तन लिया तो वह भी ऐसे ही भर गया। तो वह बुढ़िया गांव में से सबसे बड़ा बर्तन मांग कर ले आई और उसमें खीर बनाई। खीर बहुत ज़्यादा थी तो बुढ़िया ने कहा कि अब इतनी सारी खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि जाओ पूरे गांव में खीर खाने का न्योता देकर आओ। बुढ़िया ने ऐसे ही किया और गाँव वालों से कहा कि सभी खीर खाने आज मेरे घर आ जाओ। गांव वाले हंसने लगे कि तुम तो खुद ही गरीब हो, मांग कर गुजारा करती हो तो सबको खीर कैसे खिलाओगी। फिर भी लोग ये सोचकर उसके घर जाने लगे कि चलो देखते हैं ये बुढ़िया कैसी खीर खिलाती है। उधर उस बुढ़िया की बहू ने सोचा कि पूरे गांव के खाने के बाद पता नहीं खीर बचे या ना बचे, तो क्यों ना मैं पहले ही खीर खा लूं। उसने थाली में खीर डाली और भगवान को याद करके बोली कि आओ गणेश जी भोग लगाओ, और ये कहकर उसकी बहू ने खीर खा ली। अब तक सभी लोग भी आ चुके थे। बुढ़िया ने सभी को खीर परोसी। लोग हैरान हुए ये देखकर कि यहाँ तो सच में खीर का भंडारा लगा हुआ है। सब ने जम कर खीर खाई। सबके जाने के बाद बुढ़िया ने उस बच्चे से कहा कि चलो अब हम भी खीर खा लेते हैं। तब उस बच्चे ने कहा कि मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कि तुमने कब खीर खा ली? तब उस बच्चे ने कहा कि जब तुम्हारी बहू खीर खाने लगी तो उसने मुझे पुकारा कि आओ गणेश जी भोग लगाओ, तो मैंने खीर खा ली। तब बुढ़िया ने कहा कि क्या तुम गणेश जी हो? ये कहकर बुढ़िया ने गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए और जाते हुए बुढ़िया की झोंपड़ी को अपने पैर से ठोकर मारी तो बुढ़िया की झोंपड़ी एक सुंदर महल बन गया। अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बोलिए गणपति भगवान की जय। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? और ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।